बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। कैसे हैं आप सब, टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो गाइज आज मैं फिर से हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग कलेक्टिव लेकर आप सभी के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो जो आपके पर्सन है, वो जो आपके पार्टनर है, जो अभी आपसे दूर हो गए हैं, तो आपसे दूर होकर ये व्यक्ति कैसा महसूस कर रहे हैं, इसी पर आज की हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग होती है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, हर इंसान का एक सही वक्त होता है, एक सही टाइमिंग होता है ना। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चीज़ें निकल कर आती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए वो भावनाएँ नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव निकल कर आती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये जनरल रीडिंग होती है। तो आपको इसी हिसाब से समझना है, ठीक है। तो गाइज रीडिंग को स्टार्ट करो और आपको बताओ कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी से दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्टेशन दुआएं कर लीजिए और उसके बाद करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। और किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग है, किसी भी कनेक्शन वालों के लिए रीडिंग है, आप जानते ही हो। तो चलिए फिर गाइज देर किस बात की, ट्रस्ट के साथ रीडिंग को देखिए, समझिए और सुनिए, ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। एंजल की गाइडेंस हमारे साथ है। यूनिवर्स हमें बताइए कि ये व्यक्ति अभी इनसे दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत ही एक जो है क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन की। जो सोच है उस सोच में मुझे जो है धुंधलापन नज़र आता है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक मतलब रुका हुआ है, कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन में है ये व्यक्ति। हर चीज़ जो है धुंधली पड़ गई है, उस धुंधलेपन से बाहर ये व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है इनकी पिघल कर निकल रही है। ऐसा लगता है कि धुंधलापन होने के बावजूद भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अल्फाबेट टी इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, अल्फाबेट एल भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी ज़िंदगी जो है, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जब आपके साथ चल रही थी, जैसा भी पल आप दोनों ने बिताया है, वो लाइफ अच्छा था। इनको ऐसा लगता है कि वो पल बहुत सुनहरा था, बहुत अच्छा था, बहुत ख़ास है वो पल इनके लिए, वो समय इनके लिए जो दूर होने से पहले आपके साथ इन्होंने बिताया है। इनको लगता है कि अच्छी खासी ज़िंदगी बीत रही थी, सीधी सादी सिंपल लाइफ चल रही थी, और अचानक से ऐसा हो गया कि लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया और मैंने एक गलत रास्ते को चुन लिया। जी हाँ, ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग मुझे नज़र आती है, जहाँ पर एक गलत डिसीजन को चुनना या एक गलत फैसला लेना इन पर भारी पड़ गया है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज आपसे दूर होकर। गलत रास्ते को सही रास्ता समझ लेना, गलत फैसले को सही फैसला समझ लेना, गलत लोगों पर विश्वास कर लेना, ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो इन्हें अब महसूस होती है आपसे दूर होकर। ये एक ऐसे अंधेरे का शिकार है, ये व्यक्ति ऐसे जो है कोहरे में जो है छुपा हुआ है, जहाँ पर इसे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र ही नहीं आ रहा। सब कुछ इनको लगता है कि डेड एंड हो चुका है, बिल्कुल अंतिम मुकाम पर सारी चीज़ें पहुंच चुकी है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आपको छोड़ना इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा मिस्टेक इनसे हो गया है। जिस रास्ते पर यह अकेला निकल गया था, ये सोचता है कि काश उस रास्ते पर वो आपको भी लेकर चलते, आपको छोड़ते ना बीच में। मैं ये भी देख रही हूं गाइस कि ये व्यक्ति दूसरों की बातों पर आ गया,
जिसने जैसी पट्टी पढ़ाई, जिसने जैसा पाठ सिखाया, जिसने जो रास्ता दिखाया, उसे उसने उसी रास्ते को चुना। और इन्हें जो रास्ता दिखाने वाले लोग थे ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने उनकी बातें ऐसी मानी, मतलब उनका इनके साथ जो लोग है वो उन्होंने इन्हें यही सजेस्ट किया है कि आपको छोड़ दे, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको छोड़ दे, आपसे अलग हो जाए, ऐसा गाइडेंस इनको मिला है आपसे दूर करने के लिए। और ये व्यक्ति बिल्कुल उनकी बातों को सच मानकर ये व्यक्ति जो है आपका साथ छोड़कर चला गया। और इन सारी चीजों का जो है अब इनको अफसोस हो रहा है। अब इनको जो है अपनी दुनिया बिल्कुल बेमतलबी सी, बेतुकी सी लगने लगी है। वो लोग जो इनको गलत रास्ता दिखा रहे थे, जो इनको पट्टियां पढ़ा रहे थे, जो इनको आपके खिलाफ होने पर मजबूर कर रहे थे, उन सारे लोगों को देखते हुए ये व्यक्ति आज बहुत ही खुन्नस खा रहा है। बहुत ही गुस्सा मुझे इनके अंदर नजर आता है उन लोगों को लेकर। बहुत ज़्यादा आपसे बिछड़ने का इनको जो है गम है गाइज। ये इंसान बहुत बेकरार मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इन आपसे अलग होकर भी इनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि आपकी तरफ आने का कोई ना कोई रास्ता बन जाए। ये रास्ता बनाना चाहते हैं, आपके दिल में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते। ये एक बार पहले भी आपको खोकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इस गलती का जो है एहसास, अपराध बोध जिसे हम कहते हैं, गिल्ट जिसे हम कहते हैं, वो गिल्ट यहाँ पर है, डेफिनेटली है। अल्फाबेट ओ भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत कोस रहा है खुद को ये गाइस, बहुत ही बुरी तरीके से। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया जो है लूट ली है। इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, हमेशा के लिए खो दिया है। इनका माइंड बहुत ज्यादा स्टक है, इनकी जो दिमाग की अवस्था है वो बहुत ज़्यादा स्टक है, कंफ्यूज्ड है, बेकरार है। पर मैं देख रही हूँ कि इनकी जो दिल है, इनके दिल में जो है आपके लिए अभी भी वो जगह खाली है गाइज। उस खालीपन को ये भरना चाहते हैं आपके प्यार से। वहाँ पर मुझे अभी भी आपका ही एहसास और आपके लिए ही जगह नज़र आ रही है। अल्फाबेट आर भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर रहा है, पर हिम्मत नहीं टूटी है, हिम्मत बनाया हुआ है ये व्यक्ति कि मैं लड़ूंगा। ये जो घाव इनके मन में मुझे नजर आ रहा है ना आपके जाने के बाद, वो घाव अभी भी मुझे यहाँ पर जो है भरा हुआ नजर नहीं आता। इसका घाव, आपसे अलग होने का जो घाव इनको मिला है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी जो यादें हैं, आपका जो प्यार है, ये उसे बार बार कुरेदता है, तकलीफ देता है। झूठी मुस्कुराहट, झूठा शान, झूठा दिखावा ये कर रहा है सबके सामने, सबके सामने। इनफैक्ट मैं ये भी कह दूं कि आपके सामने भी ये वही झूठी मुस्कान ही लेकर आपको दिखा रहा है, लोगों के सामने भी खुद को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है। पर ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। इनका दिल तो मैं देख रही हूं कि अभी भी आपका इंतजार कर रहा है।
बहुत ही कड़क स्वभाव का व्यक्ति है ये जो भी। मजाल है कि किसी के सामने रो दे, मजाल है कि किसी को ये बता दे कि मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या मेरे दिल का हाल क्या है, मैं किस चीज के लिए तड़प रहा हूँ। मजाल है ये बता दे किसी को। पर अंदर से इनका जो है मनोबल बिल्कुल घट चुका है, आत्मबल इस इंसान का खो चुका है, कमजोर पड़ चुका है ये व्यक्ति आपसे दूर होकर। पर ये व्यक्ति कमजोर होने का जो है रोना नहीं रो रहा, किसी को दिखा नहीं रहा, ये व्यक्ति स्ट्रांग बनने की ही कोशिश कर रहा है लोगों के सामने। इनके लिए तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो मुश्किल भरा काम है, जो चैलेंज जिसे हम कहते हैं ना, वो चैलेंज ही यहाँ पर आपको भूलना है। नहीं कर पा रहा है ये, आपको नहीं भूल पा रहा है। दिक्कत ही यहाँ पर इस व्यक्ति को यही हो रही है। स्टक होने के पीछे का मतलब ही है कि ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा। और जो व्यक्ति किसी को भूल नहीं पाता वो व्यक्ति रुकेगा ही, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी ही कुछ जो है इनकी मजबूरी हो रखी है यहाँ पर आपको लेकर, कि दूर तो हो गए, अलग तो हो गए, सेपरेट तो हो गए, पर क्या हो गया सेपरेट होकर जब वो मेरे मन से ही नहीं निकल रही। ऐसी अवस्था है इनकी आपसे दूर होकर। इनका तो डायरेक्ट जो संबंध है, डायरेक्ट जो कनेक्शन है, वो आपके मन से है गाइस, आपके दिल से है। इसके अलावा इसे कुछ सूझ नहीं रहा कि ये क्या करे। आपके जैसा तो इनको अब दोबारा मिलने से रहा। ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके साथ जो है आगे की जिंदगी बिताना चाहते हैं, और इसी जुगाड़ पर मुझे नजर आ रहे हैं। और कैंडल खत्म हो चुकी है, आगे की जो रीडिंग है हम टैरेट से क्लेरिफाई करते हैं गाइस, स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम टैरेट से क्लेरिफाई करते हैं कि आपसे दूर होकर ये व्यक्ति कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हालांकि छोटी सी हुई है आज कैंडल वैक्स रीडिंग, तो कुछ चीज़ें जो हमें क्लेरिफाई करनी है वो टैरेट से ही करनी है। तो आप देखिए, समझिए इनकी एनर्जीज कैसी है, चलिए देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओ माय गॉड, नंबर 45 यहाँ पर आया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि दिमाग भले ही इनका स्टक है, दिमाग भले ही अभी धुंधलेपन में है, कोहरा है वहाँ पर, जिसके परे वो सोच नहीं पा रहा, पर मैंने आपसे कहा था कि इनका जो मन है, इनका जो हार्ट है, उसमें मुझे आपके लिए ही जगह नजर आती है। वहाँ पर बस आपके लिए ही थिंकिंग और थॉट्स नजर आती है। तो देखो, बिल्कुल वही चीज़ जो बताई थी, वही सेम टू सेम फीलिंग निकल कर आई है कि इस व्यक्ति का जो मन है वो बस आपका है, इनका जो प्यार है वो आपका है, इनका जो दिल है वो बस आपको मांगता है, इनका जो दिल है वो आपके प्यार के लिए तड़पता है। ये प्यार ये किसी और को दे नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इस मन में ये किसी और को बिठा नहीं पा रहे हैं, सजा नहीं पा रहे हैं। तो एक ऐसा हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन यहाँ पर मुझे नजर आता है। भले ही ऊपर का जो पोर्शन है, यहाँ पर जो दिमाग है ना, जो बहुत खेल खेलता है, ये दिमाग इन्हें परेशान करता है, क्लैरिटी नहीं देता है, पर मन से तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अगर किसी प्यार की जरूरत है तो उसी के प्यार की जरूरत है, उसके अलावा मुझे किसी और का प्यार नहीं चाहिए। तौबा है मुझे कि किसी और का प्यार मुझे नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये व्यक्ति आपके ही प्यार के लिए जो है यहाँ पर आशावादी है, उम्मीदों से भरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली एनर्जी शायद आपको क्लियर हो गई, मैन होल्डिंग अ हार्ट मीन्स मेरा दिल बस तुम्हारे लिए है, मेरा दिल, दिल के अंदर जो प्यार है वो बस तुम्हारे लिए है, मेरे दिल में जो जगह है वो बस तुम्हारे लिए है, और ये जगह मैं किसी और को कभी दे नहीं सकता। तो नंबर 4 और नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, साथ ही नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है और 45 भी इम्पॉर्टेंट है।
द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। अब आपको और क्या कहूं मैं, तो किस लिए ये व्यक्ति परेशान है, किस वजह से ये व्यक्ति बेचैन है, तड़प रहा है, तो आप समझ रहे हो कि क्या है कनेक्शन आप दोनों के बीच में। आप दोनों का कनेक्शन तो ये जो एक ब्रह्मांड है या ये जो दुनिया है ना गाइज, इतना ही बड़ा है आप दोनों का प्यार और आप दोनों का कनेक्शन है, जो छूट कर भी छूट नहीं पा रहा, जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हो पा रहा, जो जिसे देखकर लगता है कि अधूरा है ये रिश्ता, जिसे देखकर लगता है कि अधूरी कहानी रह गई हम दोनों की, जो रिश्ता जो है कभी भी जो है पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आपको समझना है कि आप दोनों का प्यार एक ऐसा प्यार है जो चाहे जितनी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी तकलीफें आ जाए, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, पर ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों जो है इस दुनिया में है ना एक ही चक्र के जो है इर्द गिर्द आप लोग घूम रहे हो। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो और साथ ही साथ एक दूसरे की जिंदगी का भी आप दोनों हिस्सा हो। तो वर्ल्ड यहाँ पर एक साइकिल को दिखाता है और इस साइकिल ने ही जो है अभी आप दोनों को सेपरेट करवाया है। आप दोनों के जो है प्यार में अभी कुछ परीक्षाएं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसका समाधान ये वर्ल्ड का कार्ड खुद करेगा। यानी कि आप जानते हो ना कि जो है दिए तले हमेशा अंधेरा होता है। आपने सुना है ये कहावत कि दिया जो है जलता तो है पर उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है। और आपको भी यही लगता है कि आपके दुनिया में भी अंधेरा है, आपके रिलेशनशिप में भी अंधेरा है, पर आपको नहीं मालूम कि उस अंधेरे जो है जमीन के ऊपर है ना एक रोशनी भी है और वो रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि ये अभी अंधेरे का समय है, ये अभी सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज जो है सहने का है ना दुख पाने का जो है समय एक चल रहा है आप दोनों के बीच में। पर बाद में जो है आप दोनों की जिंदगी में, आप दोनों की दुनिया में वो रोशनी बिल्कुल आएगी, पर उसके लिए जो है आपको पहले इस साइकिल को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आप और आपके पोर्शन को इस परीक्षा को पास करना होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड ने बताया है कि चक्र की वजह से ही अभी आप दोनों सेपरेट हुए हो, अलग हुए हो। तो देखो जैसा कहा था मैंने वही निकल कर आया, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि अभी भी ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, अभी भी इनका जज्बात, इनका दिल आपके लिए ही धड़क रहा है और इन फीलिंग्स में किसी और के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं टैरट से क्या है। Three of Swords, Four of Pentacles, Five of Pentacles, number four or five, उस वक्त भी आया था, sequence से आया है 3, 4, 5, है ना? दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये जो तीन कार्ड्स आए हैं ना, दिल का दरिया बह ही गया, इस इबादत बन ही गया, खुद को मुझे
तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। तो आप खुद समझ लो ये तीन कार्ड्स ने बिल्कुल इस गाने में जो एक एक लफ्ज़ है उस लफ्ज़ को खोल कर रख दिया है कि आप इनकी ज़रूरत हो, है ना, आप इनकी ज़रूरत हो और आप इनकी ज़रूरत हो। जो बात ये दिल से नहीं कह पा रहे हैं वो इनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हाय प्रोसेस, मैंने आपसे कहा था ना कि दूसरों की बातें सुनी है और जो जो जिन लोगों ने जो है इन्हें गाइडेंस दिया था उन्होंने इनको बहुत बुरा गाइडेंस दिया था, आपको छोड़ने का जो है सुझाव इनको दिया था, आपसे अलग होने का सुझाव दिया था, बहुत सारी चीज़ें इनको पट्टियां पढ़ाई गई थी। मैंने आपको ऑलरेडी ये कैंडल में बता ही दिया था और वो निकल कर भी आ गया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार आप जाकर चेक कर सकते हो कैंडल वैक्स रीडिंग जो मैंने कहा था। टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, तो ये हुई ना बात। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है, है ना। पर इससे पहले कि मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मुझे यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ कार्ड्स लेने हैं और मुझे डिटेल में आपको बताना है। एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6 आया है। पास्ट लाइफ, देखो वर्ल्ड का कार्ड भी आया था और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ऑलरेडी निकल कर आ चुका है। एंड वी हैव क्लिंजिंग टू द पास्ट नंबर 5, बहुत रिपीट 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 होकर आया है, 3, 4, 5, 6 सिक्वेंस से आज आया है। बॉटम में ड्रीम का कार्ड है, नंबर 6 फिर से आया है यहाँ पर। तो गाइस चलिए अब आपको बताते हैं कि साइन और एलिमेंट में आज पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, फायर साइन लियो सैजिटेरियस एरिस धनु मेष राशि, साथ ही साथ वाटर साइन भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपसे दूर होकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि दिल में बहुत दर्द है, दिल का कोना जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। भले ही बहुत ही आहत हुआ है ये व्यक्ति, बहुत ही हर्ट है ये व्यक्ति अभी इस वक्त। और किस लिए हर्ट है, मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि दूसरों की बातें मानी हैं, दूसरों की बातें सुनी हैं और दूसरों ने जो कहा वही इन्होंने कर लिया, वही रास्ता चुन लिया, वही डिसीजन ले लिया। तो आज देखिए खुद के फैसले पर भी पछता रहे हैं। जो लोगों ने इन्हें थ्री ऑफ सोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि तीन यहाँ पर चीज़ें हैं, तीन लोगों का अस्तित्व नजर आता है, एक आप, एक आपके पोषण और तीसरा कोई है। तो ये व्यक्ति हर किसी से अभी नाराज है, हर किसी से ये व्यक्ति खफा है। जिन्होंने इन्हें गाइडेंस दिया उनसे भी ये खफा है, जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की उनसे भी ये खफा है, खुद के लिए गए फैसले से भी खफा है और आपका दिल तोड़ा है उसकी वजह से भी ये व्यक्ति खफा है, खुद से खफा है। इनका दिल अभी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पर नजर आता है और इस टूटे हुए दिल के साथ मैं देख रही हूँ कि और भी जो है धड़कने तेज हो रही है। जितना भी आपको महसूस कर रहा है, जितना भी आपके ख्यालों में है, जितना भी आपके बारे में सोचता है, जितना भी आपसे दूर चले जाने के बाद है ना, ये व्यक्ति ऐसा फील करता है कि मैंने कहा है उसे जाने दिया या मैं क्यों उसकी लाइफ से चला गया, मैंने क्यों ऐसा फैसला ले लिया, क्योंकि मेरा दिल तो मेरे वश में नहीं है, मेरा दिल तो उसे छोड़ने को मानता ही नहीं, मेरा दिल तो उसे भूलने को मानता ही नहीं। तो क्या हुआ है ना कि मैंने ऐसा गलत फैसला लेकर आखिर हुआ क्या, मिला क्या मुझे, है ना। तो इन सारी चीजों में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझा हुआ मुझे नजर आता है। ये व्यक्ति बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहता। ये कार्ड आने का मतलब ये है कि खो चुका है पर फिर भी डर रहा है कि हमेशा के लिए कहीं खो ना दूं, हमेशा के लिए जो है दूर ना हो जाऊं, काश मैं इसे हासिल कर लूं, काश ये जो है जो मेरा है वो मेरा ही रहे, वो कहीं और जो है किसी और का ना हो जाए। तो इस तरीके का एक डर का माहौल
है ना, ये डर क्रेजीनेस वाली जो है एनर्जी होती है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर कोई किसी को भूल नहीं पा रहा, कोई किसी को दूर नहीं कर पा रहा, जिसकी यादें कोई मिटा नहीं पा रहा, जिसे अपना बनाने का एक जुनून जैसे कि इस व्यक्ति पर जो है सवार है, ऐसा नजर आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स के इस कार्ड से, दैट दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट यू, दिस पर्सन इज मैड अबाउट यू, दिस पर्सन इज टोटली क्या कहे, दिस पर्सन इज टोटली इन टू यू, आपके अंदर ही ये व्यक्ति है ना, और आप इनके अंदर ऐसे बसे हुए हो और ये व्यक्ति उसे किसी भी कीमत पर जो है अपने से दूर होता हुआ नहीं देख पा रहा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो आया है वो वही होता है जो मैं कह रही हूँ कि दिल टूट गया है ना, और ये व्यक्ति आज आपको गुमाने से डर रहा है, पर इनको एहसास हो चुका है कि मैंने उसे खो दिया है कि है कि नहीं, बिल्कुल सच्चाई से जो चीजें हैं वही निकल कर आ गई है कि अब मैं पछताकर मैं क्या करूं, अब मैं रो कर क्या करूं, है ना, अब तो मैं जो है उसे खो चुका हूं, अब तो मैं अकेला हो चुका हूं, अब तो वो नहीं है मेरे पास, है ना। तो हकीकत और सपने में बहुत बड़ा अंतर इस इंसान को अब महसूस होता है कि ये मन से तो चाह रहा है, ख्वाहिश से तो कर रहा है आपको पाने की, है ना, इस टूटे हुए दिल के साथ ये व्यक्ति आपके पास आना भी चाह रहा है, पर ये क्या करे अब, है ना, जब मतलब चीजें बहुत डिले हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, और ये व्यक्ति जो है पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। इन्हें बहुत बुरा लगता है, इन्हें बहुत हर्ट होता है ना, जब भी ये देखता है कि अब आप इनके लाइफ में नहीं हो, है ना, ये बिल्कुल अपने आप को जो है अकेला महसूस करने लगा है। अभी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अब इसके बारे में मैं क्या कहूं, है ना, दिल का दरिया बह ही गया, इस इबादत बन ही गया। तो देखो यहां पर डेफिनेट दिल तो इसका ऐसा है जो आपके लिए ही धड़क रहा है, प्यार भरा हुआ है इसके मन में आपके लिए, इमोशंस की कमी नहीं है, फीलिंग्स की यहां पर कोई कमी नहीं है, बस कमी यहां पर है फैसले की, जो फैसला इस व्यक्ति ने जो है यहां से लिया, दिमाग से लिया, है ना, और यही एक सबसे बड़ी सजा जो है इस इंसान की बन गई है। दिस पर्सन टोटली लव्स यू, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये पर्सन आज भी अभी भी आपके ही प्यार को पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, और इंतजार भी इनको जो है आपका ही यहाँ पर है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स का प्रॉब्लम है, हाई प्रिस्टेस का प्रॉब्लम है, कुछ है चीजें जिसे या तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, कुछ है चीजें जो ये आपको बता नहीं पा रहा, कुछ है इनके कंधों पर या इनके दिमाग में जिसे ये सॉल्व आउट नहीं कर पा रहा, सोल्यूशन इनको नहीं मिल पा रहा। एक तरफ तो प्रेशर ही प्रेशर यहाँ पर नजर आता है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर डबल का प्रेशर भी मुझे नजर आता है, फैमिली का प्रेशर तो है, साथ ही साथ यहाँ पर डबल का भी प्रेशर यहाँ पर नजर आता है जो इस व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। ये जितना भी जो है मन से फैसला लेने की कोशिश करता है, इनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, शायद अभी नहीं करना है, शायद अभी हमें दूर ही रहना है, शायद हम दोनों एक नहीं हो सकते, शायद ये शायद वो, ऐसी चीजें, मतलब दिमाग पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का असर मुझे जो है नजर आता है। जिम्मेवारी तो है जिसने इनको इनका इनके कंधों को तोड़कर रख दिया है, डेफिनेटली ये व्यक्ति वो है जो बिल्कुल जिम्मेवारी वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लापरवाह है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसे किसी की परवाह नहीं है, ये बहुत परवाह करता है, अपनों की परवाह करता है, पर यहाँ पर इसने एक व्यक्ति की परवाह नहीं की और वो हो आप, है ना। पर प्यार आज भी आपसे करता है और आपसे यही कहना चाहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे ही इंतजार में हूँ और मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, भले ही शायद तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कैसी भावनाएं हैं, तुम्हें मेरा जो है बस ऐसा रूप नजर आता है जहां पर मैं खामोश हूं, मैं चुप हूं, जहां पर मैंने किसी और के लिए तुम्हारा साथ छोड़ा है, तुम्हें बस ये शायद दिखता होगा, पर मेरा मन तुम्हें जब दिखेगा तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा प्यार आज भी तुम्हारे लिए जीवित है, जिंदा है। तो यहां पर जो कार्ड्स आए हैं वो भी सेम वही चीजें बयां कर रही है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है जो ये बताता है कि इस व्यक्ति ने जो भी किया है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन पर किया है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के चलते किया है, बहुत ही ज्यादा मजबूर होकर किया है, मजबूरी द्वारा लिया गया जो है ये एक फैसला था जिसने इनके दिल को भी आज तोड़ दिया है, आपको भी तोड़ कर रख दिया है, पर फिर भी जो है ये आपको समझाना चाहते हैं कि तुम मेरी हालत को समझो, मेरे हालात को समझो, मेरे समस्याओं को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने किस वजह से तुमसे दूर होने का या अलग होने का फैसला लिया था। तो कॉम्प्रोमाइज यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ मैसेज है, आपकी आंखें खोलने के लिए आया है ये मैसेज कि ये व्यक्ति क्यों गया,
आपके मन में ये सवाल है ना कि क्यों गया, तो उसका आंसर यहाँ पर आया है कि इसलिए गया क्योंकि ये समझौता कर रहा था, समझौते के चलते गया है, अपनी ख्वाहिश से या अपनी मर्जी के साथ जो है नहीं गया है। साथ ही साथ क्लिंजिंग टू द पास्ट आया है, जो वही मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी फैसला इनका था रहा है ना पास्ट में, उन चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा है और वही चीज़ यहाँ पर पास्ट को जो है याद करता है और पास्ट के ही अपनी जो है प्रॉब्लम्स को भी याद करता है, पास्ट में हुए कॉम्प्रोमाइज को याद करता है, पास्ट में हुई मजबूरियों को याद करता है, किस तरीके से इन्होंने आपके दिल को ठुकराया, आपके दिल को तोड़ा, इन चीज़ों को याद करता है और खुद को माफ़ नहीं कर पाता है ना। इस तरीके का यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये व्यक्ति फेस कर रहा है। साथ ही साथ पास्ट लाइफ भी आया है और पास्ट लाइफ ने हमें बता दिया कि बिल्कुल कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप दोनों का और ये रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है ना, क्योंकि इस जन्म में बना हुआ कोई नया बिल्कुल नया रिश्ता नहीं है, ये समझ रहे हो ना आप लोग। आप लोगों ने कुछ बर्डन कैरी किया है, कुछ बोझ आप लोग कैरी करके आए हो पास्ट लाइफ से, उस वक्त शायद आप दोनों शायद ऐसे ही रिश्ते में थे और उस जन्म में भी आप दोनों का रिश्ता फुलफिल नहीं हो पाया, आप दोनों एक नहीं हो पाए, तो ईश्वर ने आप दोनों को फिर से एक नया जन्म दिया ताकि इस जन्म में आकर आप पहले पास्ट का कर्मा क्लियर करो, उसके बाद एक नया जर्नी आप दोनों का स्टार्ट हो, है ना। तो इसलिए एक मौका आप दोनों को ईश्वर ने दिया है और मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये जो मौका मिला है इस मौके का भरपूर फायदा ये व्यक्ति उठाएगा, क्योंकि इसका प्यार आपके लिए फेक नहीं है, इसका प्यार आपके लिए झूठा नहीं है, समझ रहे हो ना गाइज। ड्रीम का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन नंबर 6 आया है, जो यही बताता है कि बहुत याद करता है आपको, बहुत मिस करता है आपको, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति जो है अपने अंदर आपको महसूस कर रहा है, अपनी अपने प्यार में ये व्यक्ति अगर किसी को ढूंढता है, अपने दिल में ये व्यक्ति अगर किसी को ढूंढता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जगह है, आपके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि ये होता है इतिहास, आप जानते हो 6 of Cups की एनर्जी हमेशा हिस्ट्री को पहचानना, हिस्ट्री को याद करना, हिस्ट्री के बारे में सोचना, यानी कि इतिहास के ही पलों को ढूंढते रहना, पन्नों को पलटते रहना, है ना, रिवर्स में पलटते रहना कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कैसी बातें हुई थी, किस वजह से जो है हम अलग हुए, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स हुई है रिलेशनशिप में, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यानी कि इतिहास को जो है कुरेद रहा है ये व्यक्ति अभी, है ना। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि प्यार बहुत करता है पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसने अभी आप दोनों को, मेन तो जो वर्ल्ड का कार्ड आया था वही है, मेन आंसर वही है कि वर्ल्ड यानी कि चक्र है, दिए तले अभी अंधेरा है पर अंधेरे के ऊपर रोशनी है और वो रोशनी अभी आप दोनों को दिख नहीं रही। क्यों दिख नहीं रही? क्योंकि अभी सब कुछ जो है छुपा हुआ है, सब कुछ अंधेरे में है, है ना, पर बहुत जल्दी वो रोशनी भी आप दोनों को दिखेगी जब वर्ल्ड का वो चक्र आप दोनों को घुमाकर उस रोशनी के करीब लेकर आएगा, यानी कि रियूनियन की तरफ लेकर आएगा, तब जाकर सारी चीजें आप दोनों की क्लियर हो जाएगी, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं मैसेज से क्या है। You are worthy of love. आप मतलब आपका जो प्यार इनको मिला है ना गाइज, ये व्यक्ति इसे अब समझ रहा है ना कि प्यार जो है तुमसे ही है ना, सबसे अमूल्य, सबसे कीमती जो प्रीशियस चीज़ होती है इनके लिए अभी आपका प्यार ही सबसे अमूल्य है, सबसे बेहतरीन है। आप प्यार के काबिल हो, आपको ना धोखा नहीं, आप एक ऐसे शख्स हो जिसे प्यार से भरने की ज़रूरत है, जिसे रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जिसे संभालने की ज़रूरत है और यही प्यार ये व्यक्ति संभाल नहीं पाया। पर अब ये व्यक्ति देखो समझता है ना कि प्यार की कीमत तो बस तुमसे है, प्यार क्या है वो तो बस मुझे तुमसे समझ में आता है ना। तो ये हाथ बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगा आपको फिर से प्रपोज करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि ये आपकी वैल्यू समझ चुका है, आपके प्यार आपसे दूर होकर आपकी आपके प्यार का एहसास समझ चुका है कि कितना कीमती था ये प्यार मेरे लिए।
वाह, अगर ये आपका ट्विन ट्विन है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये अब आपको समझ रहा है, ठीक है। इनको पता चल गया है कि मैं जिस इंसान के साथ प्यार करता हूँ, कई बार ट्विन फ्लेम अपने दूसरे ट्विन को नहीं समझ पाता, उस कनेक्शन को नहीं समझ पाता, उस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर पाता। अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए एक उपलब्धि होगी, खुशखबरी होगी कि आपका पोर्सन ट्विन फ्लेम में जो है वो अब आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, अब आपको समझ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, और जब समझेगा तभी तो वापस आएगा। तो ट्विन फ्लेम के लिए एक खुशखबरी नजर आई है। नथिंग टू वरी अबाउट, तो ईश्वर ने आपसे कहा है कि वरी भी नहीं करना, बिल्कुल चिंता वगैरह नहीं करना है। वरी किस लिए करना है, क्योंकि जब चक्र चल रहा है, साइकिल चल रहा है, तो आपको दुख और सुख दोनों ही आएंगे, है ना, सच और झूठ दोनों ही सामने आएंगे, हर चीज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो वरी करने की जरूरत नहीं है, समझ चुका है ये व्यक्ति आपके प्यार को। इस डेक से आज मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ। वाह, तो ये एनर्जी, वाह, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड यही बताता है कि देखो, न्याय तो बिल्कुल मिलेगा गाइस, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हो जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, अब थ्री ऑफ सोर्ड्स हुआ है, तो अन्याय तो होगा ही, किसी और के लिए आपको ठुकराया जाना, किसी और के लिए आपको आपकी परवाह ना करना, किसी और के लिए आपसे दूर होना, किसी और की बातों को मानना और आपको हमेशा झूठा साबित करना, तो ये तो बहुत सारा अन्याय हुआ है। प्यार में ऐसा नहीं होता है और होना नहीं चाहिए। तो जस्टिस नहीं मिला है, तो जस्टिस यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अल्फाबेट आर और जी नजर आया है, साथ ही नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये बहुत एक अहम मुद्दा है, एक अहम सेंटेंस यहाँ पर है, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। कहने का मतलब है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आपने अपने पर्सन के एक सिचुएशन को देखा, एक साइड आपने, एक तरफी जो है आपने इनको देखा, पर उनकी जिंदगी में दूसरा पहलू क्या है, उनकी जिंदगी में दूसरा सिचुएशन क्या चल रहा है, ये व्यक्ति किस वजह से परेशान है, या ये व्यक्ति किस वजह से मेरा साथ छोड़ा है, शायद आपने उस दूसरे पहलू को समझने की या जानने की कोशिश नहीं की है। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि उस दूसरे सिचुएशन को भी देखने की कोशिश करो, है ना। और आपसे भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करनी है, किसी एक के हक में फैसला नहीं करना है, चीजों को देखकर समझकर ही न्याय आपको जो है करना है। यू विल विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ द इंटीग्रिटी, आपकी जीत डेफिनेटली होगी अगर आप सच के रास्ते पर हो, अगर आप अच्छाई के रास्ते पर हो, तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलकर ही रहेगा, ये होकर ही रहेगा गाइस, ठीक है। चले मिनी डेक से भी आज कुछ आपके लिए ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। जेलेसी, सम इल विल फ्रॉम पीपल अराउंड यू। नंबर 5 आज बहुत दिखा है मुझे, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ऐसे ही नहीं गया है, ये व्यक्ति कुछ कारण से गया है, किसी की वजह से गया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेज, आप देख लो 10 ऑफ वैंड्स। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे डेविल, देखो यहाँ पर डेविल का ही पिक्चर आपको नजर आएगा, है ना, जो आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलते हैं, उनको जलन होता है। आप अच्छे रिलेशनशिप में हो, या आपको अच्छा पार्टनर मिला है, या आप बहुत दिखने में अच्छे हो, है ना, तो कुछ जलपुकड़े लोग या जेलसी करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से, ठीक है, ठीक है, समझ गए गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम जिसे हमेशा अपना दोस्त मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारा दोस्त है, कई बार तो हम अपने दुश्मनों को भी जो है अपना दोस्त मान लेते हैं और हमारी गलती हो जाती है। लॉर्ड कृष्णा के अगर भक्त हो तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेज।
हेल्प इज ऑन द वे, बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं मदद, है ना। जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे अच्छे से अच्छे, है ना, जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे वक्त में मददगार कौन होता है? वही ईश्वर होता है, वही सुप्रीम होता है, वही डिवाइन होता है, क्योंकि उनके लिए उनके सारे बच्चे एक समान है, है ना। वो किसी को तड़पता हुआ या किसी को बिल्कुल खुशियाँ देता हुआ नहीं छोड़ता, है ना। हर इंसान का वक्त आता है। तो ईश्वर लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि मदद भेजी जा रही है ना, तुम्हें तुम्हारे संकट से निकालने के लिए, तुम्हें तुम्हारे जो है दुविधाओं से निकालने के लिए हम मदद भेज रहे हैं। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको अपने प्रश्नों का भी जवाब मिलेगा, आपके मन के अंदर जो खुलदुली है, जो बेचैनी है, उनका भी जवाब आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है निकाला भी जाएगा, आपकी समस्याओं से निकालने के लिए भी ईश्वर का कोई दूत या ईश्वर का कोई हेल्प यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास आ रहा है। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, आप ना अपनी सारी टेंशन, यहाँ पर ऑलरेडी कहा भी गया था कि नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता किस लिए, टेंशन किस लिए, खुद को जो है डिप्रेशन में डालना किस लिए, है ना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। हम तुम्हारी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस डेक से आज क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा समय क्यों नहीं आ रहा, मेरा डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रहा, ईश्वर इतना देर क्यों कर रहे हैं, जिनको उनके सवालों ने परेशान कर रखा है, रिलेशनशिप ने परेशान कर रखा है कि मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलता। तो देखो आपके लिए भाग्य बदल रहा है, समय आ चुका है, परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है कि बुराई जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो हटेगी और अच्छाई के साथ प्यार लेकर आपके पोर्शन जो अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये व्यक्ति अभी तो प्यार को महसूस कर रहा है ना, हीलिंग के प्रोसेस में भी है, हील नहीं हो पा रहा, दुखता है इनका मन, तो ये समय बदल रहा है और ये व्यक्ति अपने प्यार को इजहार करने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, है ना, डेफिनेटली आ रहा है गाइज। तो समय भी आ गया है, ईश्वर की मदद भी यहाँ पर आ रही है, पर थोड़ा सा इन जलपुकड़े लोगों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है गाइज, समझ गए। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड bye-bye guys.